हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद सौम्या में। फर्स्ट विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। तो आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना उससे भी ज़्यादा इजी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। तो सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून घी लिया है और इस घी में हम मिक्स ड्राई फ्रूट्स को हमने बारीक छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और इसे अब हम इस घी में अच्छी तरह से भून कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट्स में ये भून जाते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस बचे हुए घी में ही हम 1 कप सूजी को अच्छी तरह से भून कर लेंगे। हमें और एक्स्ट्रा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही घी में हमारा 1 कप सूजी अच्छी तरह से भुन जाएगा। और तकरीबन 5 मिनट्स के बाद, और इसे हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। और आफ्टर 5 मिनट्स के बाद ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाते हैं और इसका जो थोड़ा सा कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक पैन में लेंगे खोया, ये हमने लिया है 250 ग्राम। अब इसे भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये तरह से भूरा भूरा ना हो जाए, हमें तब तक इसे पकाना है। और इसे आप लगातार चलाते हुए और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएं, तो ये भी आफ्टर 5 टू 7 मिनट्स में ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से हो जाता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने सूजी और मिक्स ड्राई फ्रूट्स हमने भून कर लिए थे ना, वो सब हम इसमें मिक्स कर देंगे। और हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर एंड ये चिरौंजी 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने नारियल को भुनकर नहीं लिया है क्योंकि अभी ये जो पेस्ट है ना, ये खोया, ये अभी गर्म है, तो नारियल वगैरह, नारियल और चिरौंजी जो है ना वो इसके अंदर इसकी जो टेम्परेचर से ही थोड़ी भुन जाएगी। अब एक तरफ एक बाउल में हमने लिया है 2 कप मैदा और इसे हम 3 बड़े चम्मच ऑयल तेल का मोयन देंगे। यहाँ पर आप सेम क्वांटिटी में घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जब भी कोई चीज़ कुरकुरी और नरम बनानी हो तो आप हमेशा आटे को तेल या घी का मोयन ज़रूर करें। इससे आपकी जो भी चीज़ है वो कुरकुरी, खस्ता और अच्छी नरम बनेगी। अब हमने इसे अच्छी तरह से मोयन दे दिया है ऑयल का। अब हम आटा गूंदने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते और अब आटा गूंदते वक्त ना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटा गूंदें। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर जैसे हम पूरी के लिए आटा यूज़ करते हैं ना बनाते हैं, वैसा ही हमें यहाँ पर थोड़ा सख्त डो बनाना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हुए हम इसका डो बनाएंगे। हमारा डो रेडी है, ये बिल्कुल सख्त है। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे क्या होगा ना ये अच्छी तरह से थोड़ा अंदर से फूल भी जाएगा और हमारी जो करंजी है वो बहुत अच्छी बनेगी। अब हम एक तरफ हमारा जो हमने फिलिंग के लिए रेडी किया था ना मसाला, वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। और फ्रेंड्स, ये ठंडा होने के बाद ही आप इसमें चीनी ऐड करें, नहीं तो अगर ये गर्म होगा तो इसमें जो चीनी है ना वो थोड़ी पिघलने लगेगी। और इसको आप इस तरह से हाथों से ही मिक्स करें क्योंकि जो चीनी है ना उसके थोड़े थोड़े
ये बॉल्स बन जाते हैं, तो उसको हाथों से दबाते हुए इसके अंदर मिक्स करें। अब 20 मिनट्स हो चुके हैं एक तरफ, और हमारा डो भी आप देख रहे हो थोड़ा अपने आप ही थोड़ा सा नरम हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। अब इसे हाथों से हम एक बार और अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। तो जिस तरह का हमें करंजी बनाने के लिए चाहिए होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये डो रेडी हुआ है। अब इस तरह से इसके छोटे छोटे आप लोइयां बना लीजिए। हम सारे आटों की लोई बना लेंगे। अब हम इन लोइयों को बेलना स्टार्ट करेंगे। हमें इसकी जो थिकनेस है ना, वो रोटी से थोड़ी सी पतली रखनी है, और हमें इसका जो साइज है बिल्कुल इतना साइज काफी है। अब हम करंजी मोल्डर में अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे, और इस तरह से हम इसे इस मोल्ड के ऊपर रखेंगे, और हम बिल्कुल सेंटर में जो हमारी फीलिंग है ना, इस तरह से डालेंगे, और इसे बहुत ज़्यादा भी ना भरे। जब आप इसे बहुत ज़्यादा भरोगे तो ये जब भी जब ये तेल में जाते हैं ना, तो ये फूल जाते हैं, तो फूलने से ये फूटने के भी चांसेस होते हैं। तो आप इसे बहुत ज़्यादा ना भरें। अब इस तरह से चारों कोनों पर पानी लगाते हुए हमें इसे सील करना है। और अगर आपके मसाले ऐसे बाहर आ रहे हो तो आप उसे हाथों से अच्छी तरह से अंदर की तरफ कर दें, और इस तरह से आप अच्छी तरह से इसे बंद करके उसके कोनों पर दबाएं, ताकि ये जो इसकी दोनों परतें हैं ना, वो आपस में अच्छी तरह से चिटक जाएं। इस तरह से आप दबा दें एक बार, और जो एक्स्ट्रा आटा है ना, उसे निकाल दीजिए। हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से करंजी मोल्डर से रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से लगेगा। अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट करंजी बनाते हैं, और इसी तरह से हम बीच में फिलिंग भरेंगे और पानी लगाते हुए इसके कोनों को सील करेंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम रिमूव कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से ये वाली भी करंजी हमारी बहुत अच्छी रेडी हुई है। और अगर इसका थोड़ा सा कुछ कॉर्नर अगर आपको ये लगे ना, तो उसे हाथों से दबा दीजिए। ये भी रेडी है। हम सारी करंजी बना लेंगे, और बनने के बाद में इसे हम 5 मिनट के लिए ना रेस्ट करने रखेंगे, जिससे क्या होगा ना कि हमारा जो दोनों परतें हैं वो अच्छी तरह से आपस में चिटक जाएंगी, और ये तेल में जाकर खुलेंगी नहीं। अब एक तरफ हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर तेल को गर्म करके लिया है, और एक एक करके हम सारी करंजी इस तेल में तलेंगे। बहुत ज़्यादा हमें तेल को गर्म नहीं करना है, हमें बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमारी करंजी को तलना है। इस तरह से आप करंजी को अच्छी तरह से आगे पीछे करते हुए तले, जब तक कि ये हल्की सुनहरी न हो जाए। सी फ्रेंड्स, तकरीबन 7 to 8 मिनट्स के बाद में ना, इसमें इस तरह का सुनहरा कलर आ जाता है। तो अब हमारी करंजी रेडी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसे तलने के लिए ना थोड़ा ज़्यादा ही तेल लें, क्योंकि हमारी करंजी जो है ना, वो तेल में अच्छी तरह से डूबनी चाहिए, तभी ये दोनों तरफ से ना अच्छी तरह से पकेगी। अब हम सेकेंड लॉट भी इसमें डाल देते हैं। इस तरह से ना हमारी 3 लॉट में
25 करंजी जो हमने आपको सब क्वांटिटीज़ बताई थी ना उसमें बनी है। सेकेंड लॉट में हमने थोड़ी ज़्यादा ही करंजी डाली है और हमारी एक भी करंजी तेल में फूटी नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आप इसके कॉर्नर को बंद करने के लिए पानी का इस्तेमाल करें, और पानी का इस्तेमाल करने के बाद में जब आपकी सारी करंजी बन जाए ना तो उसे 10 मिनट के लिए या तकरीबन 5 मिनट्स के लिए भी रेस्ट पे रखना ना भूलें। हमारी सारी करंजी रेडी है। तो फ्रेंड्स, इसे अपने घर में ट्राई कीजिए, खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए और होली को इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही टेस्टी और इजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक